Hello and very good morning everyone, and very welcome to the session all of you. Myself Gulshan Akhtar, and today we are going to do the new questions of research aptitude. So aaj ke session mein kafi naye questions aapko karne ko milenge research aptitude se, and obviously these questions are most expected for UGC NET 2022 examination. So aapke upcoming exams ke liye ye bahut hi aap bol sakte ho ki ye jo questions hain jo aaj hum karne wale hain bahut expected questions hain. So you will get to know about some more, or you will be getting to practice some very new questions in this session, all of you. So yes, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दें सेशन को, इस सेशन को पहुंचा दें अपने फ्रेंड्स तक, सो दैट वो भी हमारे साथ इस सेशन का पार्ट बन सकें. जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे, वैसे आई नो कि आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें. सो अब हमारे एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, एग्जामिनेशन फॉर्म्स भी आ गए हैं और एग्जाम्स भी जल्द होने वाले हैं, तो एक भी सेशन हमारा मिस करना नहीं है, हमें एक भी सेशन मिस नहीं करना है. और इसलिए प्लीज मेक श्योर कि बेल आइकन को प्रेस करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है. सो यस एवरीवन, वेरी वेलकम टू दिस सेशन. एक बार जल्दी से मेरी टाइमिंग्स, यूट्यूब पे कब कब मेरी क्लासेस होती हैं, तो मेरी टाइमिंग्स हैं यूट्यूब पे ट्यूजडे एंड थर्सडे सुबह के 10 बजे, ठीक है. तो हम हर ट्यूसडे हर थर्सडे यूट्यूब पे मिलते हैं सुबह के 10 बजे, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं लूंगी यूट्यूब पे, बिकॉज आपके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी. सो आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे और हम आपके लिए लेके आएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस यूट्यूब पे. उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी वो आपको नोटिफाई होती जाएंगी यूट्यूब पे, एज वेल एज आपको टेलीग्राम चैनल पे भी हम सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन डाल देंगे. इसलिए टेलीग्राम भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखना, सर्च कर सकते हो पेपर वन बाय तोशीबा गुलशन मैम एंड निशान सर, और यूट्यूब भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है. चलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, एंड यस वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब बताएं आप सब कैसे हैं. आई होप एवरी वन इज डूइंग गुड. सो यस, हाँ जी, मंडे को मेरा क्लास, हर मंडे नहीं होता मेरा क्लास ऐप के ऊपर, मेरे एवरी ऑल्टरनेट वीक्स होता है, मतलब इस वीक नहीं है तो अगले वीक होगा, ठीक है. चलो, सो यस ऑल गुड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं एवरीवन, एंड कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से. आर यू ऑल रेडी, एक बार कॉमेंट्स में जल्दी जल्दी बता दो, आर यू ऑल रेडी? यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेरी वेलकम टू दिस सेशन. जो जो आ गए हो, अब एक बार जल्दी से बताओ, आर यू ऑल रेडी फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन? गुड टू गो, यस यस, ओके. चले, सो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को, एंड ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे. जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है. हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, दोनों लैंग्वेज में हमारे क्वेश्चंस होंगे. सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ओके. So many have answered C. हिंदी भी देखो इस क्वेश्चन को, मुझे बताओ कि आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन कौन सी है. Time's up everyone, and the correct answer for this question is definitely C. आपकी जो longitudinal studies होती हैं उनकी characteristic option number C है. अच्छा, सबसे पहले आपके दो तरह के survey होते हैं, एक होता है longitudinal, एक होता है cross-sectional.
अब देखो लॉन्गिट्यूडनल में क्या करते हो, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट करते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि आज डेटा कलेक्ट करोगे और रिपोर्ट कर दोगे. आज करोगे, फिर कुछ टाइम बात करोगे, कुछ टाइम बात करोगे, और फिर जब आपके पास एक डिटेल में डेटा हो जाएगा तो फिर उसको रिपोर्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ड्रग बनाई है, तो क्या इस मेडिसिन से, इस ड्रग से डिप्रेशन क्योर होता है? कि आप इस मेडिसिन से डिप्रेशन क्योर कर सकते हो. या इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि क्या लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है हमारा स्ट्रेस. अब ये जो स्टडी है ना, ये एक दिन में नहीं होगी. अगर मुझे ये जानना है कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस आपस में जुड़े हुए हैं, तो मैं लंबे टाइम तक ऑब्जर्व करूंगी, अलग अलग लोगों की लाइफस्टाइल को देखूंगी, मतलब अलग अलग लाइफस्टाइल वाले लोगों को लूंगी और उनको ओवर द टाइम मैं ऑब्जर्व करूंगी. लंबे समय तक ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन पे आऊंगी. तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, जब यहाँ जहां पे डेटा क्या होता है, लंबे समय तक कलेक्ट होता है. वेयरएज क्रॉस सेक्शनल होता है, आज डेटा कलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट कर देंगे. जैसे हमने पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की, तो अब ऐसा नहीं है कि हम सालों साल पढ़ते रहेंगे पॉपुलेशन कितनी है, बस आज कलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन का डेटा और रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है, तो इनमें से लॉन्गिट्यूडनल की कौन सी आपकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी? देखो, लिमिटेड रिजल्ट तो होगा नहीं. हमने देखा कि हम लंबे समय तक स्टडी करेंगे तो लिमिटेड रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, हमें एक बहुत ही डिटेल्ड रिच रिजल्ट मिलेगा. हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इतने लंबे समय तक स्टडी करना है, इतना लंबा टाइम पीरियड लगेगा, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत होगी. ए एंड बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो. मिल गया आंसर आपको, द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, आपको ऑल्टरनेटिव चॉइसेस मिलती हैं क्योंकि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हो, तो यू हैव मेनी चॉइसेस टू डू. इनटू टाइम ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स, आपको टाइम ऑर्डर मतलब उस वेरिएबल जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हो उसको आप डिटेल में स्टडी करने का आपको चांस मिलता है. एंड इट फोकस ऑन इंडिविजुअल और द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब उसके डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट देख रहे हो, आप लंबे समय तक स्टडी करोगे सो यू विल गेट टू नो क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, सो येस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी. चले, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू. एवरीवन, अजर्शन है, रीजन है, पढ़ के बताओ करेक्ट क्या है. यस, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर एवरीवन? हिंदी भी देखें और मुझे बताएं अभिकथन सही है, कारण सही है, अजर्शन रीजन सही है और उसका एक्सप्लेनेशन सही है क्या. सो ऑल द आंसर्स आर सी. चलें देखते हैं वेदर सी इज राइट और नॉट. चलो, डन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल ऑब्वियसली बी सी. आपका जो रीजन है वो गलत है. क्यों? लिखा है कि जो आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम होती है ना, ये आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है वो या तो बहुत ब्रॉड होती है या वो बहुत नैरो होती है. मतलब रिसर्च की प्रॉब्लम या बहुत व्यापक बनाओ या बहुत ही आप उसको नैरो बनाओ. नहीं, ना बहुत ब्रॉड होनी चाहिए ना नैरो होनी चाहिए, बीच की होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. अच्छा, अगर हम नेक्स्ट अजर्शन की बात करेंगे तो रिसर्च क्वेश्चन किसी ना किसी थ्योरी या रिसर्च से कनेक्टेड होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उससे हम लिटरेचर रिव्यू पहले करेंगे, क्या रिसर्च हो चुकी है क्या नहीं हुई है, फिर उसके बाद हम रिसर्च प्रॉब्लम देते हैं. तो डेफिनेटली अजर्शन राइट है, रीजन गलत है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री एवरीवन. आईसीटी के टूल्स दिए हुए हैं और वो किस किस लिए यूज होते हैं आपको देख के मैच करके बताना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम 2021 के क्वेश्चंस देखें ना, तो आईसीटी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए थे, आईसीटी के एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आए थे. तो ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से पढ़ लो.
यस एवरीवन, आईसीटी के टूल्स को मैच करो कि वो किस लिए यूज होते हैं। So time's up. The correct answer for this question will be option number D. So ज़्यादातर लोगों ने D ही answer किया है and please guys जो आपको लगा करे वही answer किया करो, cheating मत किया करो क्योंकि app पे आपका जब मैं poll लेती हूँ तो percentage थोड़ा कम होता है, YouTube पे maximum answers मिलते हैं, इसका मतलब आप देख देख के answer करते हो। नहीं, हमें समझ के answer करना है, हमें session का most of the use करना है, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा उठाना है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, हम जे स्टोर की बात करते हैं तो जे स्टोर क्या होता है? जे स्टोर लिटरेचर रिव्यू के लिए यूज होता है। अपवर्क आपका कोलैबोरेटिव राइटिंग टूल है, मतलब अपवर्क पे आप अपनी रिपोर्ट वगैरह, रिसर्च की रिपोर्ट लिखने के लिए किसी को दे सकते हो, जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट लिख देंगे। तो अपवर्क एक कोलैबोरेटिव राइटिंग टूल है, जबकि एटलस टीआई आपका यूज होता है फॉर द डेटा एनालिसिस, मतलब क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए, और एसएएस यूज होता है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो आईसीटी के जो भी टूल्स हैं, जैसे जे स्टोर होता है, ज्ञानकोश होता है, शोध गंगा होता है, ये सब लिटरेचर रिव्यू के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है SAS, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, ये क्वांटिटेटिव डेटा के एनालिसिस के लिए होता है, जबकि एटलस टीआई क्वालिटेटिव, अपवर्क, टाइपराइट, ये सब आपके राइटिंग टूल्स हैं जहां पर आप अपने राइटिंग्स मतलब रिसर्च के रिपोर्ट्स लिखवा सकते हो एक्सपर्ट से, ठीक है। होपफुली क्लियर एवरीवन, नोट कर लेना सॉफ्टवेयर के नाम जरूर से, क्योंकि एग्जाम में जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनसे। यहां पर अब आपको दो स्टेटमेंट्स दी और आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है एवरीवन? सो यस, यहाँ पे मुझे बी सी और दो ऑप्शंस में ज्यादा कंफ्यूजन दिख रही है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हमें फॉर्म्यूलेट नहीं करना होता है हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस क्या होती है, मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में क्या अनुमान है मेरा। जब कोई चीज हो चुकी है तो आप उस पर अनुमान तो लगाओगे नहीं। सोचो ऐसे, हिस्टोरिकल रिसर्च के कुछ स्टेप्स होते हैं, मुझे जल्दी से बताओ हिस्टोरिकल रिसर्च के जो तीन स्टेप्स होते हैं सबको पता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, कि अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आपके फॉर्म्यूलेट नहीं होती है हाइपोथेसिस, ये बात सही है। और हाइपोथेसिस इस तरह से हम लिखते हैं कि या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, जो चीज पास्ट में हो चुकी ना उसका हाइपोथेसिस नहीं बनाते हो, तो फिर हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का स्टेप सबसे पहला होता है कलेक्ट करते हो डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट हो गया तो फिर क्या करोगे, डेटा का क्रिटिसिज्म होता है। सो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म किसके अंदर होता है। सो एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म आपके हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर होता है, तो आप क्रिटिसिज्म करते हो डेटा का, पहले कौन सा होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, पहले एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है, उसके बाद उसके ऊपर इंटरनल क्रिटिसिज्म लगाते हैं, और जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है ना फिर आप उसको रिपोर्ट कर देते हो। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आपकी हाइपोथेसिस नहीं बनती है, आप सिंपली क्या करते हो, डेटा कलेक्ट किया, उसको आपने क्रिटिसाइज किया और उसको रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स वाज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
यस, अगला क्वेश्चन देखेंगे. स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट मेजर्स व्हाट? चलो, टाइम्स अप एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट सी. बहुत से लोगों ने सी बोला. स्टैंडर्ड डिविएशन मीन निकालने के लिए नहीं होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएशन के लिए होता है. मतलब हम स्टैंडर्ड डिविएशन से वेरिएशन निकालते हैं. नहीं, मेजोरिटी ओवर हियर इज रॉन्ग. स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएशन पता लगाता है. वेरिएशन मतलब होता है भिन्नता. अब देखो, जैसे मेरा डेटा ये है, मेरा डेटा है 2, 4, 6 एंड 8. इसका मीन क्या आएगा? इसका मीन मतलब इसका मध्य क्या आएगा? एनीवन? टोटल हुआ 20, 20 डिवाइड बाय 4 करोगे 5, मतलब इसका मीन आया 5. तो क्या सारे आइटम्स और एवरेज एक बराबर हैं? नहीं. कितना डिफरेंस है इस एवरेज में और इन आइटम्स में? ठीक है, कितना डिफरेंस है इस एवरेज में और इन आइटम्स में, उसका पता लगाया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू. सो स्टैंडर्ड डिविएशन वो मेजर है जो क्या बताता है आपको? बताता है अमाउंट ऑफ वेरिएशन, भिन्नता बताता है. ठीक है, क्लियर एवरीवन? मेजॉरिटी लोगों ने 100% क्लेम किया आंसर सी है. नहीं भाई, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी. ये वेरिएशन बताता है, ये मीन नहीं बताता है. अभी आई बिलीव सबका क्लियर हो गया है. ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, एवरीवन पढ़ के बताओ यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, मीन का मतलब मध्य होता है, मध्य, एवरेज. So, which statement is correct here, guys? Okay, so time's up. दोनों statements में से correct statement कौन सी है? तो दोनों ही statement आपकी correct है. जब आपकी population characteristic greater होती है, जब आप अपनी alternate hypothesis में greater use करते हो ना, तो आप use करते हो upper tail test. Upper tail test को right tail test भी बोलते हो. पर जब आपकी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो, जब आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कम की बात करेगा, लेस की बात करता है, तो लोअर टेल टेस्ट यूज करते हो. मतलब लेफ्ट टेल्ड टेस्ट यूज करते हो, लेफ्ट टेल टेस्ट यूज करते हो. सो यस, एवरीवन इज राइट. एब्सोल्युटली स्टेटमेंट वन करेक्ट है. दोनों ही, दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. चले ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. एंड किस रिसर्च के अंदर आप फुट नोट एंड नोट यूज करते हो? सॉरी, वो कौन सा फुट नोट या एंड नोट है जो टाइटल और पेज नंबर को रिपीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान से करना, वो कौन सा फुट नोट या एंड नोट है, आप एब्रीवेशन उसको बोल सकते हो, जो टाइटल और पेज नंबर दोनों को रिपीट करने के लिए यूज किया जाएगा? ओके, टाइम्स अप. क्या हो गया? सिर्फ एक ही पता है, ETAL पता है, तो हर जगह वही आंसर होगा. अगर ETAL पता है तो उसका मतलब भी तो आपको पता है ना. एंड अदर्स, ETL का भी यूज करते हो. जब तीन ऑथर हैं, तीन से ज्यादा ऑथर्स हैं, तो सबके नाम नहीं लिखते हो, ETAL लगा देते हो. क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है. बस ETL देखा और लगा हमें तो यही आता है, तो यही आंसर होगा. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि जब तीन ऑथर्स होंगे या आपके तीन से ज्यादा ऑथर्स होंगे तब कौन सा एब्रीवेशन लगता है. ETL तो बिल्कुल नहीं होगा. हमें एक ही पता था तो हमने सबने DDD बोल दिया. इसका आंसर है LOCCIT.
देखो अब मैं तीनों आपको समझा देती हूँ एलओसी सीआईटी क्या होता है। सबसे पहले आईबीआईडी, जो देखो मैंने इस लाइन पे मैंने कोई भी रेफरेंस दिया है, मान लो ये लाइन नंबर 2 है और इसी लाइन को मुझे दोबारा रिपीट करना है, थर्ड लाइन पे मुझे यही ऑथर का नाम यही वर्क दोबारा से लिखना है, तो हम यूज कर लेते हैं आईबीआईडी। फिर से ऑथर, फिर से बुक का नाम कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कुछ जस्ट ऊपर लिखा है उसको फिर से नीचे लिखना है तो आईबीआईडी यूज कर दो। अच्छा हो गई पहली चीज तो मैं समझ में आ गई आईबीआईडी क्या है। अब अगला देखेंगे ओपीसीआईटी क्या होता है और एलओसीसीआईटी क्या होता है। ओपीसीआईटी याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर लो अदर पेज, और ये होता है सेम पेज। अब कोई रेफरेंस है जिसका आपको सोर्स तो वही है, मतलब ऑथर का नाम वही है, टाइटल वही है, लेकिन पेज नंबर अलग है, तो उसके लिए यूज करते हो ओपीसीआईटी। अब मान लो लाइन नंबर 1 में मैंने कुछ एबीसी का नाम लिखा हुआ है, लाइन नंबर 2 पे बीसीडी बुक का नाम लिखा हुआ है, अब लाइन नंबर 3 पे मुझे फिर से एबीसी वाली बुक को रिपीट करना है, तो आपको पूरा बुक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिखोगे एबीसी ओपीसीआईटी। ये कब यूज करोगे? जब ऑथर तो सेम है लेकिन हमारा पेज अलग है। मान लो यहाँ पे पेज 38 की बात करी थी आपने, यहाँ पेज 48 की बात कर रहे हो, ठीक। जबकि आप एलओसीसीआईटी कब यूज करते हो? एलओसीसीआईटी तब यूज करोगे जब सब कुछ सेम है, पेज नंबर भी सेम है, ठीक है। तो सेम पेज सेम टाइटल के लिए यूज किया जाता है एलओसीसीआईटी, ठीक है। क्लियर हो गया सबका? चले तो ये आप गलती मत करना कि जो पता है बस वही आंसर कर रहे हो। ये चार एब्रीवेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एलओसीसीआईटी होता है सेम पेज सेम ऑथर को रिपीट करने के लिए आप उसको यूज करते हो। The correct answer for this question is option number A. Now here people are right. Statement 1 क्या बोल रही है? Processing and data analysis involves editing and coding. जब हम data को analyze करते हैं तो उस time पे हम editing और coding भी करते हैं, yes. दूसरी statement क्या बोल रहा है यहाँ पे? एडिटिंग हम करते हैं क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और ये कोडिंग से पहले होता है, यस। पहले हम डेटा के अंदर एडिटिंग करते हैं। अब एडिटिंग का मतलब वो नहीं है कि जैसे हम अपनी पिक्चर में फिल्टर विल्टर लगा देते हैं, नहीं। एडिटिंग होती है डेटा को क्लीन करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मान लो मैंने आपको क्वेश्चनेयर दे दिया, आप उसमें फिल कर रहे हो, तो कई बार हम जल्दी में या कभी हम बहुत केयरफुल नहीं होते तो हम उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं या कुछ बहुत से ऐसे एंट्रीज होते हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। कोई आपको क्वेश्चनेयर दे रहा है तो हो सकता है कि आप उसमें कुछ भी चीज छोड़ दो, ओमिट कर दो, कुछ गलत लिख दो। तो अब हम वो डेटा एज इट इज तो अपनी रिसर्च में यूज नहीं करेंगे, उस डेटा को क्लीन करना होता है और उसी को बोलते हैं एडिटिंग। एक बार मैंने क्लीन कर लिया फिर मैं उसकी कोडिंग करूंगी। कोडिंग होता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, हर एक क्वालिटेटिव डेटा को कोड्स दिए जाते हैं। सो यस, एडिटिंग कोडिंग से पहले होता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ आर राइट। चले अगला क्वेश्चन। एक रिसर्चर है जिसको 10th एंड 12th स्टूडेंट के ऊपर कुछ स्टडी करना है, एग्जाम पैटर्न स्टडी करना है स्टेट बोर्ड का क्लास 10th और 12th का, तो वो यहाँ पे कौन सी सैम्पलिंग का इस्तेमाल करेगा? सैम्पलिंग में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, सैम्पलिंग की थ्योरी हमने लास्ट क्लास में यूट्यूब के ऊपर डिटेल में करी थी, एंड अगर आपने ये क्लास अटेंड किया है तो आप आंसर कर लोगे। ओके
Done. The correct answer for this question will be option number B, cluster. क्यों क्लस्टर होगा? मेनी ऑफ यू आर राइट एब्सोल्युटली, क्योंकि क्लस्टर होता है लार्ज पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल. एक्सीडेंटल तो होगा नहीं कि मुझे मिल भी सकता है डेटा, नहीं भी मिल सकता है. कन्वीनियंस भी नहीं सैम्पलिंग का इस्तेमाल करूंगी. मुझे क्लास 10th एंड 12th के स्टेट बोर्ड का पैटर्न स्टडी करना है. मतलब आप सोचो कि इंडिया में अगर हम बात करें 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके 10th और 12th का पैटर्न आपको पढ़ना है. तो इसके लिए होगी क्लस्टर सैम्पलिंग. मतलब ये हमारा लार्ज पॉपुलेशन है, और जब पॉपुलेशन ऐसा लार्ज होता है तो यू गो वी गो फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में किया था सैम्पलिंग. जिसको भी क्लियर नहीं है वो यूट्यूब पे थ्योरी क्लास देख लेगा, जो कि मैंने थर्सडे को ली थी. ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 10th. एवरीवन, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग वो टेक्निक है जो इन सिचुएशंस में यूज होती है. मैंने आपको लिख के भी लास्ट क्लास में बताया था कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कब यूज होती है. चलो देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एक्सीडेंटल सैम्पलिंग मार्केटिंग रिसर्च में किया जाता है. मैंने आपको बताया था, सैम्पलिंग वाली क्लास देख लेना एक बार, थ्योरी और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कब करते हो? सो मेनी आर रॉन्ग. बहुत से लोग को बी लग रहा है. जिन्होंने भी बी आंसर किया है, थर्सडे वाली क्लास जरूर से जाके देखना. ठीक है, मिस मत करना उस क्लास को. कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब दोनों ही है. स्ट्रैटिफाइड और सिंपल में हमने पढ़ा था, स्ट्रैटिफाइड और सिंपल यूज करते हैं जब पॉपुलेशन स्मॉल होती है. स्ट्रैटिफाइड यूज करते हैं जब पॉपुलेशन हेट्रोजेनस हो, और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं जब आपकी पॉपुलेशन क्या हो, होमोजेनस हो. ठीक है, तो मैंने आपको ये पॉइंट लिख के भी बताया था. जो भी आंसर गलत कर रहे हो, मतलब आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी. चले, हेट्रोजेनस तो होगा ही, बट उसके साथ साथ कंडीशन ये होती है पॉपुलेशन स्मॉल होनी चाहिए. ओके, चले अगला क्वेश्चन. पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? सो कोरिलेशन रिसर्च है, कोरिलेशन रिसर्च के अंदर पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? वेरी गुड. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मूव इन द सेम डायरेक्शन. पॉजिटिव कोरिलेशन होता है जब एक वेरिएबल बढ़ रही है तो दूसरी वाली भी बढ़े, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटे. जब हम दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन है. एग्जाम्पल, जब प्राइस बढ़े, जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा. प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाता है. ऑब्वियसली मैं नहीं बेचना चाहूंगी जब सप्लाई, जब प्राइस कम होगा. मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा, मैंने गलत एरो बना दिया, जस्ट अ मोमेंट. मैं ज्यादा बेचना चाहूंगी जब प्राइस ज्यादा होगा. सो ये क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है. तो पॉजिटिव होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं, नेगेटिव होता है जब ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़े. मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाती है ना. तो ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है. पॉजिटिव कब होता है? जब सेम डायरेक्शन में दोनों फ्लो करें. यस, अगला क्वेश्चन. द एट्रीब्यूट्स आर दोज वेरिएबल्स दैट डिफाइन द डैश नेचर ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, चले द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटेटिव. एट्रीब्यूट मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक, गुण. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्वालिटेटिव है. मुझे आपका कैरेक्टरिस्टिक
मापना है तो ये क्वालिटेटिव होगा। नंबर्स में तो हम आपकी कैरेक्टरिस्टिक ले नहीं सकते, तो ये क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द वेरिएबल को बताता है। यस, क्वांटिटेटिव नहीं होगा, इट इज क्वालिटेटिव। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सैम्पलिंग एरर को कैसे कम कर सकते हो? हाउ कैन सैम्पलिंग एरर्स बी रिड्यूस्ड? और जो आंसर कर चुके हैं मुझे ये भी बता दो सैंपलिंग एरर क्या होता है। चलो, टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली बी। सैंपलिंग एरर होता है जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो सैंपल सेलेक्ट करने के प्रोसेस में मुझसे कुछ गलती हो गई तो वो सैंपलिंग एरर होता है। कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक मुझसे हो गई जब मैं सैंपल सेलेक्ट कर रही थी तो वो सैंपलिंग एरर होता है। इस मिस्टेक की वजह से क्या होता है, मेरा जो सैंपल है वो मेरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता। मेरा सैंपल डू नॉट रिप्रेजेंट, ठीक है, ये मेरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये आपका कौन सा एरर हो गया? सैंपलिंग एरर। इसको कम करने के लिए हम बड़ा सैंपल लेंगे तो ये गलती नहीं होगी मुझसे। जितना बड़ा सैंपल लोगे उतना वो पॉपुलेशन के क्या होगा, क्लोज होगा, उतना वो रिप्रेजेंट करेगा आपकी पॉपुलेशन को। तो सैंपलिंग एरर को घटाया जा सकता है बड़ा सैंपल लेके। अगला, कौन सी टेक्निक का आप इस्तेमाल करोगे जिससे आप ये पता लगा सको कि जो आपने क्वेश्चनेयर बनाया है ना उसमें कुछ कमी है? उसको यूज करने से पहले, जब हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं डेटा कलेक्ट करने से पहले, तो रिसर्चर को इंटरेस्ट होता है कि देख ले मेरे क्वेश्चनेयर में कोई गलती तो नहीं है। तो वो कौन सी टेक्निक को यहाँ पे यूज कर सकता है? प्रिवेंटिव स्टडी, लॉन्ग स्टडी, साइम्यूलेशन या पायलट सर्वे? ओके, सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पायलट सर्वे। पायलट सर्वे या पायलट स्टडी होती है स्मॉल स्केल स्टडी। स्मॉल स्केल स्टडी करना, जैसे हम कोई जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई कंपनी है, कोई प्रोड्यूसर है, उसने कुछ बनाया, कोई नया प्रोडक्ट बनाया, तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बुरा है, उसको टेस्ट करने के लिए वो पहले क्या करता है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर देखता है लोगों का रिजल्ट क्या है, लोगों का फीडबैक क्या है, और अगर ये सैंपल सक्सेसफुल होता है तो फिर वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है। उसी तरह से मैंने कोई क्वेश्चनेयर बनाया है और उस क्वेश्चनेयर में कोई गलती तो नहीं है, तो उसको पहले एक स्मॉल स्केल पे टेस्ट किया जाएगा, कुछ लोगों को दे के टेस्ट किया जाएगा। अगर उसको रिजल्ट लग रहा है कि हाँ सब सही है तो इस क्वेश्चनेयर को वो यूज करेगा अपने रिसर्च में, अदरवाइज उसमें कुछ चेंजेस लाएगा। तो पायलट सर्वे या पायलट स्टडी यूज होगी आपके क्वेश्चनेयर में ड्रॉबैक्स पता लगाने के लिए, शॉर्टकमिंग्स पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से बताओ कि यहां पे क्या हो रहा है। कौन सा रिलेशन है इनके बीच में? यस, अभी हमने पढ़ा, करेक्ट आंसर है नेगेटिव। प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घट रही है। आप देखो, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, तो नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, ठीक है। अब नो रिलेशन कब होगा? जब एक बढ़े इसका कोई इफेक्ट ना पड़े दूसरे पे, तो नो कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब या तो दोनों बढ़ता या दोनों घटता, ठीक। अगला क्वेश्चन, Which of the following are examples of violation of research ethics? रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन बताना है, तो quickly English, फिर हम हिंदी भी देखेंगे। ओके,
नैतिकता, शोध के अंदर जो नैतिकता होती है उसका उल्लंघन का उदाहरण कौन कौन सा है? बिल्कुल द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, सी होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि मेजॉरिटी ने बोला. देखो यहाँ पे क्या है कि जब हम रिसर्च एथिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे उसके वायलेशन की एग्जाम्पल कौन कौन सी है. सो वायलेटिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ना रखना, गोपनीयता ना रखना, ये बहुत गलत है. हमें अपने पार्टिसिपेंट्स की गोपनीयता को बना के रखना है. मेकिंग रिकमेंडेशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डेटा कलेक्टेड, जो डेटा है ना कलेक्ट किया है मैंने, उसके बियॉन्ड जाके मैं कुछ बता रही हूँ, तो ये भी गलत है. गलत रिसर्च डिजाइन यूज करना, ये रिसर्चर की फॉल्ट होगी बट ये अनएथिकल नहीं हो जाएगा. अनएथिकल होता है जब मैं डेटा को चेंज कर दूं डिजायर्ड आउटकम लाने के लिए, मतलब फॉल्सिफिकेशन कर रही हूँ, फैब्रिकेशन कर रही हूँ, वो गलत है. मैंने क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव की जगह क्वालिटेटिव यूज कर दिया, ये टेक्निकल लैप्स होगा मेरा, ये अनएथिकल नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस, एब्सोल्युटली एवरीवन इज राइट. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी. अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, और जल्दी से पढ़ के बताओ यहां पे कौन सी स्टडी रिसर्चर करेगा. यहाँ पे कौन सी रिसर्च होगी, रिसर्चर कौन सी स्टडी करेगा? वेरी क्विकली एवरीवन. ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एक्सप्लोरेटरी. क्यों बोला गया है? इनिशियल आइडिया लेने के लिए. सबसे शुरुआती रिसर्च कौन सी होती है? एक्सप्लोरेटरी होती है. जब मुझे नहीं पता है उस प्रॉब्लम के बारे में, उसका स्कोप मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो उसके लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं. एक यहाँ पे कीवर्ड आपको और मिल रहा है, फीजिबिलिटी. तो फीजिबिलिटी स्टडी कौन सी होती है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का नाम ही है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज फीजिबिलिटी स्टडी. ठीक है, फीजिबिलिटी स्टडी होता है इसका दूसरा नाम. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या हो रहा है? चलो, अनोवा इज यूज टू एनालाइज एंड कंपेयर द मीन्स अमंग एंड बिटवीन द ग्रुप इज गिवन बाय होम. अनोवा किसने दिया था, बस आपको सिंपली ये बताना है. पायलट स्टडी उसका दूसरा नाम नहीं है. देखो, पायलट स्टडी करते हो एक्सप्लोरेटरी में, ठीक है, बट अगर हम बात करें उसका दूसरा नाम है आपका फॉर्म्युलेटिव रिसर्च या फॉर्म्युलेटिव स्टडी. अनोवा किसने दिया था? ठीक है, टाइम्स अप. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी. इनका नाम रोनाल्ड फिशर था, इनका एल ए फिशर नहीं था. तो जिन्होंने सिर्फ फिशर पढ़ा होगा उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, बट इनका फुल नाम है ना आर ए फिशर, या जिसको आप बोल सकते हो रोनाल्ड फिशर. ठीक, सो अनोवा वॉज गिवन बाय आर ए फिशर. इसमें हम दो ग्रुप्स के बीच में कंपेरिजन करते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा एरर यहाँ पे हो रहा है? यस, सो ये भी मैंने आपको समझाया था काफी अच्छे से जब मैंने रिसर्च की मैराथन करी थी, आई बिलीव. तो ये कौन सा एरर है? टाइप वन एरर है. कौन सा एरर हो रहा है? जब नल हाइपोथेसिस सही थी और रिजेक्ट हो रही है, टाइप वन एरर. जब नल हाइपोथेसिस गलत होती और फिर भी मैं उसको एक्सेप्ट करती, तो ये कौन सा एरर होता? टाइप टू. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ प्लेजरिज्म, यहाँ पे ज्यादा सीवियर कौन सा प्लेजरिज्म होगा, एंड यहाँ पे क्या उस प्लेजरिज्म का एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको खुद पढ़ना है और खुद बताना है करेक्ट आंसर. Be quick everyone, यहाँ पे कौन सा गलती हो रही है, कौन सा अनएथिकल काम हो रहा है, वो कौन सा प्लेजरिज्म है. Yes, the correct answer is option number B, complete plagiarism. मतलब हमने क्या किया, एक मैन्यूस्क्रिप्ट ली और उसपे सिर्फ अपना नाम बदल दिया. मतलब इसमें मान लो एक्स वाई जी का नाम लिखा था, आपने क्या किया इसको लिया और अपने नाम के अंदर पब्लिश कर दिया. मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया, तो पूरी तरह से आपने कॉपी कर लिया, तो ये कंप्लीट प्लेजरिज्म होगा. सोर्स गलत लिखते तो सोर्स बेस्ड होता. और एंटी प्लेजरिज्म मतलब नहीं कर रहे हो, तो ये तो कोई गलती नहीं है, प्लेजरिज्म ही नहीं होगा. ठीक है, चले अगला क्वेश्चन. द टर्म पॉजिटिविस्ट इज इन रिसर्च इज गिवन बाय हूम. अगर हम पॉजिटिविस्ट की बात करें, पॉजिटिविज्म की बात करें, तो ये किसने दिया था, ये नाम तो सबको पता होगा आई बिलीव. Yes. Be quick guys. इसमें क्या पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करें तो ये पैराडाइम, ये कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया था, एंड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, इट इज ऑगस्ट कॉम्ट. ठीक है, कॉम्ट ने हमें दिया था, ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया था. अगला क्वेश्चन देखेंगे. सैम ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने कुछ पाया. अब अगर हम बात करें उस रिजल्ट की जो उसने पाया, तो क्या कह सकते हो उसका एक्सपेरिमेंट, उसका रिजल्ट कैसा था, पढ़ के जल्दी से बताना है आपको. ओके, टाइम्स अप. अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, तो बोला जा रहा है कि सैम एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया ना, तो जो भी रीडिंग मिली उसको, ये बार बार मिल रही है. मतलब अभी भी मुझे यही रीडिंग मिली, फिर से मैंने किया, फिर से मैंने उस एक्सपेरिमेंट को किया, मुझे बार बार रिजल्ट सेम मिल रहा है. मतलब रिलायबिलिटी है यहाँ पे. रिलायबिलिटी कब होती है, जब कंसिस्टेंसी हो, जब आपको सेम रिजल्ट मिले तो. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैक्स क्यू डी ए यूजफुल है किस तरह के डेटा को एनालाइज करने के लिए. तो यहाँ आपको एक सॉफ्टवेयर और पता चला. अभी हमने कुछ देर पहले अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को पढ़ा था, वहां पे एक चीज आपको और ऐड करनी है, वो है मैक्स क्यू डी ए. ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज होता है, किस डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है, जल्दी से. ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैलिडिटी है नहीं वहां पे, वहां रिलायबिलिटी की बात हो रही है. सो मैक्स क्यू डी ए किस तरह के आप डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हो, एंड द आंसर इज क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, तो जहां भी आप सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखोगे, वहां पे प्लीज साथ में लिख लेना मैक्स क्यू डी ए इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा. अगला क्वेश्चन जोटेरो, ये भी एक सॉफ्टवेयर है. तो आईसीटी के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर के नाम लिखोगे, तो जोटेरो को भी डालना है. अब जोटेरो यूज किस लिए होता है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है और ये यूज किस लिए होता है, जल्दी से.
जोटेरो इज यूजफुल फॉर वॉट? बहुत से लोग बी बोल रहे हैं, बहुत से लोग डी बोल रहे हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी के लिए इस्तेमाल करा जाने वाला सॉफ्टवेयर है। जोटेरो इज यूजफुल फॉर रेफरेंसिंग इन बिब्लियोग्राफी। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रेफरेंसिंग आप कर सकते हो जोटेरो की हेल्प से। मतलब अगर हम बात करें तो जोटेरो हो गया, एंड नोट हो गया, मेंडली हो गया, ये सब रेफरेंसिंग करने में आपको मदद करते हैं। आप पता लगा सकते हो कि किस, मतलब आप इनके थ्रू अपने रेफरेंसिंग को कंपोज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नहीं, लिटरेचर रिव्यू के लिए नहीं होता है, इट इज फॉर रेफरेंसिंग एंड बिब्लियोग्राफी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल में कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता है इन टेक्स्ट के अंदर? इन टेक्स्ट साइटेशन किस में यूज करते हैं और क्या लिखते हैं, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था MLA, APA और शिकागो के बारे में। अब आपको यहां बताना है कौन सी स्टाइल में कॉमा का इस्तेमाल होता ही नहीं है। चलो, राइट, सो हियर आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स एज सी। कुछ बी भी बोल रहे हैं, कुछ ए भी लग रहा है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, MLA। देखो, MLA में नो कॉमा यूज्ड, APA में कॉमा होता है। APA में आप क्या करते हो, ऑथर का नाम लिखते हो, फिर कॉमा लगाते हो और यहां पे ईयर लिखते हो। MLA में आप ऑथर का नाम लिखते हो, स्पेस देते हो और फिर लिखते हो पेज नंबर। शिकागो में इंटेक्स साइटेशन होता ही नहीं है, नो इंटेक्स साइटेशन। तो इंटेक्स साइटेशन नहीं होता तो क्या होता है शिकागो में? नोट्स का इस्तेमाल होता है। नोट्स मतलब या तो फुट नोट होगा या एंड नोट का यूज करते हो। ठीक है, या तो आप फुट नोट यूज करोगे, आप एंड नोट यूज करोगे। आपका MLA के अंदर ही यूज होता है ऑथर का नाम, पेज नंबर, बट कोई कॉमा नहीं होता है। APA में कॉमा होता है। सो यही था मेन इसके बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलिए। सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन नंबर सी। अब आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। टुडे वी हैव डन 25 questions, different questions of research aptitude. मुझे comments में लिख के बताना कि आपके कितने questions सही हुए। And yes, do let me know in the comments कि आपके, ठीक है, आपको ये session कैसा लगा। And obviously, next class में हम मिलेंगे, Thursday को मिलेंगे, जहाँ पर हम इसी तरह से teaching aptitude के कुछ बहुत ही different questions करने वाले हैं। So make sure everyone कि आप मुझे live join किया करो YouTube पे Tuesday and Thursday सुबह के 10 बजे। ठीक है, सो यस, दैट वॉज इट फॉर टुडे। वील मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन थर्सडे। सो डू जॉइन एंड स्टे ट्यून्ड ऑल ऑफ यू। कीप स्टडिंग, क्योंकि अब एग्जाम आपके बहुत ही नजदीक है, फॉर्म्स आ गए हैं। तो जिन्होंने नहीं फिल किया है फॉर्म्स, प्लीज फॉर्म फिल कर लेना। कोई प्रॉब्लम आएगी फॉर्म्स फिल करने में या किसी भी तरह की, तो मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताना। ठीक है, चले, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टे सेफ एंड गुड बाय।